सो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे फिलहाल मुझे चाय बनानी ही पड़ रही है बिना गिफ्ट के ही तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय और चाय हमारी खोल चुकी है खोल चुकी है मतलब पत्ती वग़ैरह डाल दी है आपको वाइट ज़्यादा दिख रही है क्योंकि फ्रेंड्स मैंने मतलब पानी वगैरह नहीं डाला है सिर्फ दूध दूध से ही बनाई है इस वजह से वाइट वाइट लग रही है और अभी इसको हम अच्छे से खोला देंगे तो जो पत्ती है चाय की वो मतलब अच्छे से हो वो हो जाएगी पक जाएगी इसमें और मुझे तो ऐसे ही पसंद है और आज मैंने बनाए थे मिर्च के पकौड़े मैंने इस रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ मटर के निमौने तो वही मैं आपको दिखाऊंगी तो उसकी रेसिपी थोड़ी सी मैं डाल दूंगी तो यहाँ पे चटनी है मिर्च के पकौड़े हैं और चाय है तो फटाफट से गर्मा गर्म है तो आज आइए सभी लोग खाने के लिए हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे सारा चैनल से वेलकम है और फ्रेंड्स दोपहर हो चुकी है अभी मुझे बनाना है लंच तो आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में मटर के निमोने किस किस ने खाए हैं वैसे तो चने जो होते हैं हरे वाले चने उनके बनाए जाते हैं फ्रेंड्स हमारे गांव में अब तो गांव में भी चना बना बहुत कम होने लगा है क्योंकि लोग बाग ऐसे उजाड़ देते हैं ना तो फिर नुकसान ज़्यादा होता है तो पता नहीं लोग क्यों कम कम अब करते हैं चना ना तो चना तो है नहीं मेरे पास तो मेरे पास है मटर तो मैंने सोचा मैं मटर का ही बना के खा लेती हूँ मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स तो मैं कैसे मटर के निमोने बनाती हूँ तो उसके लिए आपको एंड तक बना रहना पड़ेगा तो फ्रेंड्स बने रहना आप लोग वीडियो को एंड तक देखना इसको बिल्कुल भी मत करना जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो फ्रेंड्स चलते हैं किचन में बनाते हैं अपने निमोने में कैसे बनाऊंगी आपको मैं दिखाऊंगी ठीक है सो so फ्रेंड्स यहाँ पे ले लिया है मैंने मटर आप चाहें बॉईल करके भी ले सकते हैं लेकिन ऐसे भी अच्छे से वो हो गए थे ऐसे भी अच्छे लगते हैं खाने में तो यहाँ पे मैंने दो ली हैं हरी मिर्च मैंने इसी में डाल दी हैं और मैंने इतनी लहसुन की कलियाँ ली हैं ये सारी मैंने डाल दी हैं मैं इसको अच्छे से कर लूँगी ग्राइंड तो फ्रेंड्स कैसे मैं बनाऊँगी अभी आपके साथ पूरा मैं शेयर करूँगी इसकी रेसिपी सो फ्रेंड्स रख दिए मैंने कढ़ाई कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल ऑयल हमारा काफ़ी अच्छे से हो गया है गरम तो मैंने डाल दिया है इसमें जीरा और जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा चटकने लगा है वैसे और हींग भी मैं डाल दूंगी और इसमें तड़का लगाऊंगी हींग और जीरा का और वैसे कुछ नहीं डालना है इसमें प्याज वगैरह टमाटर वगैरह इसमें नहीं डालना है सिर्फ हींग और जीरा का ही इसमें लगाना है तड़का और इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है हल्दी हल्दी हमारी जो मतलब वैसी होती है ना जो हल्दी इसमें डाल देंगे तो उसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और अच्छे से हल्दी को हम भून लेंगे थोड़ी देर तक और जो मैंने पीस के रखा था मटर अब इसके बाद मैं मटर को भी फ्रेंड्स इसमें डाल दूँगी और इसको भी मतलब थोड़ी देर के लिए इसमें चलाती रहूँगी इसको मतलब भून लूँगी अच्छे से मटर को ज़्यादा नहीं ऐसे चार से तीन से चार मिनट आपको ऐसे ही चलाते रहना है इसमें और इसमें क्या क्या डालना है आपको इसमें आप दही डाल सकते हैं दही अच्छे से फैट लिया था मैंने और मैंने आलू कट करके रखे हुए थे वो भी मैं डाल दूँ पतले पतले मैंने स्लाइसिस किए थे ताकि ये हमारे जो अच्छे से पक जाएँ और आप चाहें तो बॉयल करके भी डाल सकते हो मैंने सिर्फ जल्दी जल्दी वाला काम किया है अपना ना तो मैंने मटर बॉयल किया ना तो मैंने आलू बॉयल किया सब ऐसे ही डाला है तो ऐसे ही भी बहुत अच्छे टेस्टी बने थे वैसे आपने नहीं खाए थे मैं बता रही हूँ आप लोगों को तो मुझे पता है फ्रेंड्स अच्छे बने थे और मैंने जो आलू थे वो भी डाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने दही फैट के रखा था फ्रेंड्स वो भी मैंने इसमें पूरा डाल दिया है और जब दही डालें तो बस एकदम से हमें प्रॉपर तरीके से चलाते रहना है वरना हमारा जो दही है वो फटने का वो हो जाएगा मतलब डर रहता है तो फटने नहीं देना है बराबर हमें अपने हाथ चलाते रहना है और हमें जो दही का जो हमारा बॉयल था अच्छे से मैंने इसमें पानी डाल के वो भी पानी सी में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी भी इसमें आप डाल सकते हैं दही दही के साथ मतलब थोड़ा पानी भी जरूरी है फ्रेंड्स डालना तो आप लोग जरूर डालिएगा और इसको हम हम पकने देंगे जब तक ये अच्छे से खोलने नहीं लगेगा जब ये खोल जाएगा तो बस इसमें नमक वगैरह वही ऐड कर देंगे अरे यार सबको पता है बनाना है ना तो मैंने दिखा दिया है और यहाँ पर हमारे अच्छे से पक चुके हैं तो मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता कट करके रखा हुआ है तो वो भी मैं डाल दूँगी और फ्रेंड्स मैंने पूरी थाली वगैरह कुछ नहीं दिखाई है खाने में दा ये निमोने थे और चावल थे सब्जी थी रोटी थी

और फ्रेंड्स मिलते हैं फिर मन तो नहीं कर रहा कर लगता है बहुत सारी बातें करूँ आप लोगों को अपने दिल की इच्छा पूरी बताऊँ क्या क्या बताऊँ वीडियो लंबा हो जाएगा धीरे धीरे बताऊंगी सारे सारी जो अपनी इच्छाएं हैं वो आपको धीरे धीरे में बताती रहूंगी ठीक है तो आप लोग आते रहना मेरे ब्लॉग ब्लॉ वीडियो में आते रहना ठीक है और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं फिर अच्छे ब्लॉग में और मेरा मटर का जो क्या था हैप्पी मटर का निमोना कैसा लगा था वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में अगर अच्छा लगा हो तो अपने घर भी ट्राई करिएगा एक बार अच्छा लगेगा आपको खाने में और अपनी फैमिली को खिलाइएगा मजे से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए राधे राधे जय माता दी